हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटेल एवं एलपीजी डिवीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन श्रीवास्तव और पंकज रत्न पारखी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स को बताया कि हिट एंड रन कानून को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां पनप रही हैं। पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटेल एवं एलपीजी डिवीजन के दोनों अधिकारियों ने अपील की कि अफवाहों के झांसे में आकर वाहन चालक अशांत होकर अनावश्यक हड़तालें ना करें। उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्राइवरों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। अधिकारियों ने कहा कि हड़ताल का दुष्प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। उन्होंने वाहन चालकों और परिवहन संघ से जुड़े पदाधिकारियों से 10 साल की कैद और जुर्माना लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि जो हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर बंधुओं में जो गलत फहमियाँ फैल रही है, वो लोग गुमराह हो रहे हैं कि ये कानून लागू हो चुका है। पर हम बताना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय से जारी 8 जनवरी का जो पत्र है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह कानून अभी लागू हुआ नहीं है। यह कानून ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अधिकारियों से पूर्ण तरह से विचार विमर्श करने के बाद ही लागू होगा। इसमें संबंधित एजेंसियों की जो भूमिका रहेगी, उनके उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। हम ये ड्राइवर बंधुओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे चल रहे कोई भी वीडियो, जो व्हाट्सएप में कोई गुमराह करने वाला वीडियो अगर आता है तो उसके झांसे में ना आए, और अविरत एलपीजी की आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों को अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि आम जनता परेशान न हो, रसोई की आपूर्ति समाज में कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।